वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट यूजी। बच्चों आज हम कर रहे हैं हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने पार्ट ए 5 PM किया, पार्ट बी हमारा 8 PM हो रहा है। इसके साथ हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज खत्म होने वाले हैं और कल इसी चैप्टर के PYQs हम करेंगे। तो फटाफट से आ जाएंगे सब लोग और जल्दी से बता दें, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू यू गाइस? हाय डोरा, हेलो क्रेश, जल्दी से बता दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन। और बच्चा पार्टी भूल गया है, आज आपकी 8 बजे भी क्लास है जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चल दिल बना देंगे, दिल के बिना काम नहीं चलता है भाई। चलो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS रामिया डेंटल कॉलेज। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट आई एम ए वेरी पैशनेट एडुकेटर। और आज कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन ओनली ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। और इससे इजी तरीका लेट्स क्रैक नीट यूजी टाइप करेंगे और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और हम मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो साक्षी100 टाइप करके मुझसे डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐप है जो आपको डेफिनेटली इंस्टॉल कर लेनी है, जिसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लासेस एंड ऑल्सो क्विज मिल रहा है आपको। इसके अलावा कॉम्बैट फ्री मिल रहा है, ये सब आपको फ्री मिल रहा है। 70+ एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपके तीनों सब्जेक्ट PCB। और ये सारी चीजें आप अनलॉक कर सकते हैं विद अ वेलकम कोड साक्षी100। जैसे ही ये लगाएंगे यू विल अनलॉक ऑल द फ्री स्पेशल क्लासेस टेकन बाय द टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। इसके अलावा बेटा आपको अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जाना है तो आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी का, जिसमें आपको मिलता है क्या बहुत सारे अडॉन्स, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस विच इज वेरी वेरी इंटरैक्टिव, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस ऑन रेगुलर बेसिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड कंटेंट। इसका बड़ा भाई है कौन? आइकॉनिक, जहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल मेंटोर जो कि डेली बेसिस पे आपको गाइड करेगा कि पढ़ाई को बेस्ट कैसे बनाना है। लाइव डाउट सॉल्यूशन, जिसमें आपके डाउट्स को प्रायोरिटी पे रखते हैं, उनको रिजॉल्व कर दिया जाता है। एंड पेरेंट कनेक्ट, अमेजिंग फीचर जिसमें आपके पेरेंट और आपके मेंटोर में ओपन सेशन होता है ताकि आपकी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जाया जा सके एंड ऑल दी प्लस बेनिफिट। तो अगर इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आना तो क्या करना होगा? चूज योर गोल ऑन एन अकेडमी लर्निंग ऐप दैट इज नीट यूजी, चूज द सब्सक्रिप्शन यू वॉन्ट एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। आपके क्लिक करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, सो चूज द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सो बेस्ट आपके लिए जो है वो आप चूज करेंगे और साक्षी100 अप्लाई करेंगे, जिससे आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस में आपको पढ़ाई करने का पूरी सुविधा है। सो देयर इज अ बम्पर ऑफर फॉर यू गाइज विद द कोड साक्षी100। अगर आप ये कोड लगाते हैं और 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मिलेगा एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन टिल 31 जुलाई। फॉर नाउ आज ही ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए ऑफर वैलिड है, तो इससे 10% डिस्काउंट के साथ साथ ये एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेगा। टू डू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दीजिए और मेरी पर्सनल गाइडेंस तो आपको मिलती ही रहेगी। तो बच्चों दिस इज द रेफरल कोड, डू नॉट फॉरगेट, और जल्दी से कोड लगा लेंगे। चलिए शुरू कर देंगे हमारा सेशन। सो आर यू गाइज, आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम चल रही है। एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट वंस। मुझे आप लोग का चैट दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। चल लेट अस सी। क्या हो गया सारे बच्चों को आज? कहाँ गायब हो गया? फटाफट क्वेश्चन करेंगे। मेरे को सबने प्रॉमिस किया था कि 8 बजे और बच्चे लाएंगे और बिल्कुल ही गायब हो गए हैं सब लोग। जल्दी से आ जाइए और चैट में दिल बना दो जल्दी से। हाय कविता,
जल्दी से कॉल योर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट दिस क्विज। ये प्रॉमिस तोड़ने वाला काम नहीं, फिर आप मेरे से प्रॉमिस करोगे और मैम जब तोड़ेंगी तो क्या होगा, स्पैमर्स भर जाएंगे। और मैम का प्रॉमिस रोज तोड़ते हो, मैम का भरोसा रोज तोड़ते हो, ये तो गलत बात हो गई भाई। चल तो हियर गोज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी हैं उन्हीं के साथ करेंगे, एटलीस्ट दे आर अटेंटिव। माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ कम ऑन एवरीवन, कौन से प्रोसेस से माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर का आपका प्रोडक्शन करती है। हाय एंटीक, हाय मीनाक्षी, वेरी बैड अटेंडेंस, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं से बोला गया था मैम ऐसे क्विज रखो, आप तो 8 PM और आएंगे, दिस इज द अटेंडेंस, वेरी बैड, बहुत गलत बात है भाई। कोई नहीं, जो लोग है वो आंसर देंगे फटाफट फटाफट। सी आर आई मियोसिस, एंड मियोसिस से ही माइक्रोस्पोर बनेंगे, क्योंकि मदर सेल 2N रहती है और माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, मियोसिस से ही बनेंगे। एम्ब्रियो सैक इज रिप्रेजेंटेड बाय हां जी, कोई बात नहीं बेटा, अगर ज्यादा नहीं चलेगा तो लेट वी विल स्टॉप दिस, बच्चों को पढ़ना ही नहीं, मैं बुद्धू तो हूं नहीं यहां पढ़ा रही हूं, आई विल स्टॉप द सेशन, इट्स ओके, विल ट्राई समथिंग एल्स, बच्चों को नीट में इंटरेस्ट ही नहीं है। स्वरूप कह रहे हैं ए, लेट्स सी, मेगा गैमेटोफाइट, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोगैमेट या मेगा स्पोर। ये गलत बात है यार, ए बिल्कुल सही जवाब है बेटा, किसने दिया था, स्वरूप ने, वेरी गुड बच्चे। अगर टीचर से कोई भी गलती हो जाती है, जस्ट बिकॉज टीचर आपको देख नहीं सकता, आप जाके उसको कितना कुछ सुना देते हैं बच्चे, आपने बच्चे जाके, लेकिन टीचर्स अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर वो मन से पढ़ा रहा है बच्चे आ जाए तो बच्चे नहीं सुनेंगे, क्योंकि टीचर तो उन्हें पकड़ के ला नहीं सकता, ठीक है, तो उनका भरोसा वो तोड़ देते हैं, तब टीचर गलत नहीं होंगे, तब टीचर को बुरा नहीं लगना चाहिए, बट बच्चों को जरूर बुरा लग जाएगा, क्योंकि टीचर में तो दिल होता ही नहीं है, राइट, बिल्कुल, मैं दिल बनाती हूँ बट दिल होता थोड़ी ना, इसीलिए तो बनाती रहती हूँ। CRI स्पोरोपोलेनिन, यस बिल्कुल सही जवाब है, एक्साइन में आपका क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन, बिल्कुल सही जवाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम्स हॉर्सशू शेप्ड एंड फ्यूनिकुलस एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर। तो एम्ब्रियो सैक एक तरह से हॉर्सशू शेप बन जाएगा, यानी कि कर्व हो जाएगा। कम ऑन एवरीवन, ए बी सी या डी, बहुत इजी है और इसका आंसर इसके ऑप्शन में ही पड़ा है। हाँ बेटा, जो है वही मचाएंगे, और सही बात है, ढंग से पढ़ेंगे, जितने कम कम भी बच्चे रहेंगे तो और ढंग से पढ़ेंगे, सारे डाउट सॉल्व करते पढ़ेंगे, ठीक है, फिर फोड़ के आएंगे ना तब मजा आएगा। हाँ जी, CRI, are you sure? C is the correct answer. Are you guys sure? And बिल्कुल सही जवाब है Amphitrophus, बिल्कुल सही जवाब है Amphitrophus, बिल्कुल आंसर ऑप्शन में ही होता है। What does angiosperm mean? Very, very easy peasy question. Hi Gola Puja. What does angiosperm mean? Amandeep B बोल रहे हैं, हाय सेड, हेलो 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 हेलो, आई एम गुड। कवर्ड सीड बी आ रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही होता है कि
उनमें कवर्ड सीड आ जाते हैं, यानी कि फ्रूट फॉर्मेशन आ जाता है। नेकेड सीड किसमें देखते हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म में। किसमें? जिम्नोस्पर्म में, राइट। चल, हाउ मेनी टाइम्स फ्लावरिंग टेक्स प्लेस इन बाइनियल प्लांट? बाइनियल प्लांट में कितनी बार फ्लावरिंग होती है? इजी पीजी क्वेश्चन। बट यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वर्ड क्या है हमारे पास? बाइनियल, बाइनियल। लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या है? कुछ तो अलग है भाई, कुछ तो अलग है दया। कम ऑन एवरीवन, बी आ रहा है, डी आ रहा है, सी भी आ रहा है, मनीष ए बोल रहे हैं। क्या लगता है बच्चों, क्या होगा सही जवाब? तो आपने सुना होगा एनुअल, ठीक है, फिर आपने सुना होगा बाइनियल, फिर आपने सुना होगा पेरिनियल, ठीक है, पेरिनियल। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इसका ऑप्शन होगा वंस। क्या होगा ऑप्शन? वंस। अब सुनना क्यों गड़बड़ हुआ आपसे। एनुअल साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। कब? साल में एक बार। बाइनियल दो साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग एक ही बार करेगा बट दो साल में एक बार। पेरिनियल क्या है? हर साल में कई, हर साल ही फ्लावरिंग करता है, हर साल ही फ्लावरिंग करता है, उसको क्या कहेंगे? पेरिनियल। इज इट करेक्ट? एम आई सेइंग करेक्ट? जल्दी बताओ, इज इट करेक्ट? जल्दी बताओ, मेनी टाइम्स करता है उसको क्या कहते हैं? पेरिनियल। जल्दी बता दो, चेक करके आना मैम ने सही बताया है कि नहीं। अभी देखना सब पकड़े जाओगे। आउटर सीड कोट इज नोन एज, मैंने ट्रिक खेली है वहां पे, आउटर सीड कोट इज नोन एज, सबसे बाहर वाली सीड कोट। काफी इजी क्वेश्चन है। सिड बी कह रहे हैं, कम ऑन एवरीवन, अर्चिता भी, मनीष भी, लेट्स सी एंड बी इज द करेक्ट। तो दो इंट्यूगमेंट होते हैं, क्या होते हैं? दो इंट्यूगमेंट होते हैं। पहला वाला क्या बनाता है? जो आउटर वाला है वो टेस्टा बनाएगा। कौन सा वाला? आउटर वाला। इनर वाला क्या बनाएगा बच्चों? टेगमेन, ठीक है, क्या बनाएगा? टेगमेन। इनर वाला बनाएगा, बिल्कुल क्लियर हो गया अभी। चलो, विच स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज डिप्लॉयड, यानी कि 2N ढूंढना है, जल्दी जल्दी ढूंढेंगे। विच इज 2N? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इजी पीजी पिज्जा चीजी, कम ऑन एवरीवन, फोर आ रहा है। मयंक ए बोल रहे हैं, तो बेटा इसका आंसर एक्चुअली डी है, ठीक है। आपका न्यूसिलस भी आपका क्या होता है? पार्ट होता है ओवरी ओव्यूल का, तो 2N, क्योंकि इसके अंदर कोई मियोसिस नहीं हो रहा है। इंट्यूगमेंट में भी मियोसिस नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस में N प्लस N है, तो ये भी 2N ही बनेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलो, विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज फाउंड इन पॉलन ट्यूब? कौन सा ग्रोथ है? ये मैंने कल ही पढ़ाया है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सी ग्रोथ होती है? पॉलन ट्यूब बढ़ते जा रहा है, मैं ध्यान से देखना, मेरा ऑप्शन ऑप्शन देखना और मेरा हिंट क्या हो रहा है। जैसे जैसे पॉलन ट्यूब जा रहा है आगे, वैसे वैसे बढ़ते ही जा बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है?
बेटा पहली बात तो मैं मैम हूँ, मैं सर कहाँ से दिख रही हूँ आपको हर्ष? मेरे बाल भी लंबे लंबे हैं, चश्मा भी लगाई हूँ, ठीक है? मैं कहाँ से दिख रही हूँ बेटा? चश्मा तो मतलब सब लगाता है, बट मैं कहाँ से आपको लड़का दिख रही हूँ? जल्दी बताओ, बी आ रहा है, बी आ रहा है, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो रहा है? जब ये आपका पॉलन ट्यूब निकल रहा है पॉलन में से, तो क्या और आगे चल रहा है कौन? वेजिटेटिव सेल। कौन चल रहा है बच्चों? वेजिटेटिव सेल। पीछे चल रहे हैं हमारा जेनरेटिव सेल, या फिर इसके अंदर मेल गैमेट फॉर्म हो जाएंगे, या तो रास्ते में ही फॉर्म होते हैं। तो मान लो शुरू हुआ है अभी, तो शुरू होगा तो वेजिटेटिव जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे फॉर्म करते जाता है पॉलन ट्यूब को आगे की तरफ। तो कैसे आपका ग्रोथ हुआ? अपाइकल ग्रोथ। क्लियर है बेटा? निपुण सर कौन है मुझे पता भी नहीं, बच्चे सच में नहीं पता है। चैज्मोगैमी रिफर्स टू, चैज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? एक क्लिस्टोगैमी होता है, दूसरा चैज्मोगैमी। बेटा निपुण सर के बारे में मुझे सच में नहीं पता, मैं शायद उनके बाद आई हूं इसलिए मुझे नहीं पता होगा। कहां पे मिडिल ग्रोथ आ गया? अरे यार वो ऐसे ही ऑप्शन बना दिया है प्रिंस, मिडिल ग्रोथ कहां से होगा? वो तो ऑप्शन बनाना था, तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बना दिया है। उई, जल्दी बताओ। फ्लावर्स ओपन, फ्लावर क्लोज, इसी में कंफ्यूज है दोनों, हैं जी? कंफ्यूज हो और एक ए बोल रहे हैं एक सी बोल रहे हो। चलो, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चैज्मोगैमी में फ्लावर ओपन होते हैं, क्या होते हैं? ओपन। और क्लिस्टोगैमी में आपके क्लोज होते हैं, क्या होते हैं? क्लोज, ठीक है? क्लिस्टोगैमी में क्लोज होते हैं। कैसे याद करोगे? क्लोज में सी एल होता है, क्लिस्टोगैमी में भी सी एल होता है, दोनों एक जैसे हैं, यानी क्लोज है तो क्लिस्टोगैमी है, ओपन है तो चैज्मोगैमी है। क्लियर हुआ? याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलो, क्या हो गया मीनाक्षी? थैंक यू मीनाक्षी। व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, सुनो ध्यान से, द प्रोसेस इज कॉल्ड। कहां से कहां जा रहा है? एक बगिया के फूल से एक पेड़ में, एक बगिया में एक पेड़ है, उसके फूल से दूसरे पेड़ के फूल तक जा रहा है। तो बगिया सेम है, पेड़ अलग है, फूल अलग है। ये बच्चा पार्टी रो क्यों रहा है? कोई बात नहीं, अब आगे जब भी ये क्वेश्चन आएगा मीनाक्षी आप गलत नहीं करोगे, इतना श्योर है मैं, इतना बता दे रही हूँ, आप कभी गलत नहीं करोगे। अब इसलिए इसलिए खुश ये हो कि अब आगे इसके बाद गलती नहीं करनी, क्योंकि अभी फाइनल बाकी है मेरे दोस्त। ये तो टेस्ट मैच चल रहा है, होम मैच चल रहा है हमारा। बी आ रहा है, बी आ रहा है, लेट्स सी, बी इज द करेक्ट आंसर। जीनोगैमी होता है, जीनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या है? ठीक है कि अपना फ्यूजन एक ऑटो में हो रहा है। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं गलत गलत, बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन में ही नहीं है। जल्दी से बताओ क्या सही ऑप्शन है। जल्दी जल्दी, बलिराम से ए आ रहा है। एक बात बताओ, सारे बच्चे गए कहाँ है? मुझे ये जानना है। वेयर आर एवरी वन? इंडिया वॉन्ट्स टू नो, नहीं इंडिया नहीं, आई वॉन्ट टू नो। जल्दी से इन्फॉर्म कराओ यार, क्लास चल रही है, क्वेश्चन तो मत छोड़ो, बाकी में तो मैं बोलती ही नहीं हूँ कुछ। ए ए ए सारे नहीं, ए दिया है। जब आप सब ए बोल रहे हो तो मैं कहाँ से बी सी डी बोलूंगी? तो आई थिंक सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। लिवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। सो गए? जगाओ भाई, इट्स सैटरडे नाइट, लेट्स डू पार्टी टुनाइट। तो पढ़ो लिखो और थोड़ी मस्ती कर लो, सैटरडे नाइट है।
इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट रखती हूँ आज का दिन। सैटरडे संडे मुझे पता है रोज रोज पढ़ के दिमाग थकेला हो जाता है। लिवर मैकेनिज्म, कम ऑन एवरीवन। ए आ रहा है, ए आ रहा है, आर यू श्योर? भंडारे में गए यार, कहाँ लगा है मुझे भी बता दो, मैं भी जाऊँ। बड़ा भंडारे का खाना तो बड़ा अच्छा लगता है। सेल्विया यानी सेज प्लांट, इसमें लिवर मैकेनिज्म है। ये थोड़ा सा बाउंसी क्वेश्चन था, बट कोई बात नहीं, आप अब याद रखेंगे। ये थोड़ा सा क्या कहेंगे, कट के निकल गया आपके एनसीईआरटी से, दिस इज नॉट गिवन, ठीक है? ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। मेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हनुमान मंदिर पे, कहाँ पे हनुमान मंदिर पे है, कहीं पे, इतना दूर आऊंगी मैं, थोड़ा सा भेज दो यार। लिवर मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी, सिद्ध घबराइए मत, आई विल टेल यू लिवर मैकेनिज्म। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ए आ रहा है मेरे पास, ए बी सी डी, जल्दी से, कम ऑन एवरीवन। आदित्य ये बोल रहे हैं, बर्नाली है, मनीष है, चलिए देखते हैं, देखते हैं क्या है सही जवाब। एनीस करेक्ट आंसर। एनिमोफिली क्या होता है बच्चों, बताओ एनिमोफिली क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है एनिमोफिली। मेरे स्टूडियो के पीछे कोई गली नहीं है। एनिमोफिली क्या होता है जल्दी बताओ, ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए। नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगी, घबराओ मत, आप बताओ पहले, बाकी मैं बता रही हूं। ऑर्निथोफिली किससे हो रहा है, चिड़िया से यानी कि बर्ड से। एंटोमोफिली इंसेक्ट से हो रहा है। हाइड्रोफिली वाटर से हो रहा है। एंटेमोफिली विंड से हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है, अभी याद रहेगा, रिवीजन हो गया क्विक। पॉलीसिफोनस पॉलन ग्रेन अकरेन, पॉलीसिफोनस पॉलन ग्रेन, कम ऑन एवरीवन। हाँ डोरा चला गया, अब लेट हो गया डोरा, लेट हो गया मेरा। हाँ जी, आज तो डोरेमान का पाउच भी नहीं चल रहा है। सी आ रहा है मेरे पास आंसर, लेट्स सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। आपका मालवेसी और कुकुरबिटेसी, देखो बोथ लिखा है, ए एंड बी होना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे उल्लू बना रहा है, बोथ क्या मतलब है बोथ का, ठीक है? तो यहाँ पे जब तक आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स में जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपको ग्रेस मार्क्स में मिलते हैं, कई बार आपका ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? हाँ यार एनीवे डोर, मैं भी आऊंगी, भंडारे का खाना खाऊंगी और फिर लेके अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स पॉलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स पॉलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ? बाद में कॉम्प्लेक्स बनता है, सबसे पहले जब आपके स्टिग्मा पे गिरता है तो क्या एब्जॉर्ब करता है बच्चों? बी आ रहा है, लेट सी, एंड बी इज द करेक्ट। तो बोरॉन बहुत जरूरी, कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है, रुको, बोरॉन इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादा जब इन दोनों में से आएगा, मुझे पता है बहुत से बच्चों में बोरॉन कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आप बोरॉन को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है? कुछ बातें अपन को बस समझनी है, जैसे कि अभी लिवर मैकेनिज्म है उसको मैं बता भी दूंगी, आप क्या करोगे, कुछ नहीं उसका मतलब है। तो कुछ बातें हमें बस समझ लेनी है, पढ़ लेनी है, बाकी जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में करना है बस। पॉली एम्ब्रियोनी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, पॉली एम्ब्रियोनी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय,
अब पूजा और मीनाक्षी बन गई हैं सहेलियां और कर रही हैं गुटरगू, तुम कहां से हो तुम कहां से हो। मीनाक्षी का नाम साक्षी है, क्या बात है। मीनाक्षी एक्चुअली मेरी मम्मी और मेरा नाम मिक्स कर दो तो मीनाक्षी बन जाता है। चलो सी आ रहा है एंड सी इज द करेक्ट आंसर। लिवन हॉक जी ने डिस्कवर किया था पॉली एम्ब्रियोनी को। लिवन हॉक जी ने क्या लिविंग सेल भी डिस्कवर किया था, सिर्फ एक्स्ट्रा बता रही हूँ। चलो टेगमैन ऑफ सी डेवलप्स फ्रॉम, टेगमैन ऑफ सी डेवलप्स फ्रॉम, अभी मैंने बताया था टेस्टा और टेगमैन के बीच में हाई एकता। सी आ रहा है, सी आ रहा है बच्चा पार्टी से आंसर। कम ऑन एवरीवन, लेट्स सी हाय अनाया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले sorry.com का एड आ रही है, इसको मैं क्या समझू। इसको ये समझो कि बेटा अगर पढ़ोगे नहीं ना तो ये भी काम नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो सी इज द करेक्ट आंसर, इनर इंट्यूगमेंट। तो ये इशारे हैं कि पढ़ लो बेटा, नहीं तो shaadi.com पे भी रिश्ता नहीं मिलेगा। हाँ जी, एम्स की सीट लेने वाले एम्स में मैं खुद आऊंगी मिलने, एंड दिस इज माई प्रॉमिस। हैप्पी बर्थडे फ्रेंड्स, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ डे। बच्चे पार्टी, बहुत प्यारे से बच्चे का आज बर्थडे, सब लोग जल्दी से हैप्पी बर्थडे विश करेंगे प्रिंस को। तो प्रिंस तो वैसे ही नाम ही राजकुमार है आपका, इतना प्यारा सा नाम है। तो भगवान जी आपको सारी तरक्की दें, यू शुड बी सक्सेसफुल इन वॉट एवर यू डू। हाँ मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, सबसे बुद्धू मैं ही हूं यहाँ पे। अरे आंसर दो यार, तुम लोग बतिया रहे हो बैठ के, जल्दी बताओ भाई। पार्टी, अरे कैरी भाई ना, पार्टी बाद में करना, आंसर दो। हाँ जी, 4 महीने बाद बात करेंगे इसकी डोरा जी। और सब बच्चे मुझे अपना रिजल्ट खुद बताएंगे, तो मैं इंटरव्यू भी कंडक्ट करने वाली हूँ। तो बी आ रहा है एंड इट इज करेक्ट। वेलिस नेरिया में जो केवल पॉलिनेशन वाला पार्ट होता है बच्चों, वो क्या होता है, एपीहाइड्रोफिली यानी कि सरफेस वाटर पॉलिनेशन से होता है। बाकी जितना भी इनके अंदर दूसरी चीजें हो रही है यानी कि फ्यूजन फर्टिलाइजेशन जो भी, वो अंडर वाटर होती है। केवल इनका पॉलिनेशन अबव वाटर सरफेस होता है, ठीक। चलो, पॉलिनेशन इन युक्का प्लांट टेक्स प्लेस बाय, क्या पढ़ा रहे हो आप बेटा। मैं क्वेश्चन करा रही हूं और जो प्रॉब्लम आ रही है उसको बता दे रही हूं। पॉलिनेशन इन युक्का प्लांट टेक्स प्लेस बाय, कम ऑन एवरीवन, हनी बी, बटरफ्लाई, प्रोन्यूबा मॉथ और बर्ड। जो मेरा ये लेक्चर अटेंड किया है उस दिन मैं क्या बोल बोल के हंसे जा रही थी, याद करो। कौन सा आंसर रॉन्ग था मीनाक्षी? सी आ रहा है, प्रोन्यूबा मॉथ, मौत मौत कह रही थी, मौत हो रहा था मैं। तो आप युका प्लांट को मौत से याद रखोगे तो मौत याद आ जाएगी। सी इज द करेक्ट आंसर। द मेन एम्ब्रियो इज डिवेलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, तो जो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, वो कैसे बन रहा है, किसके थ्रू बन रहा है बच्चों,
कौन सा प्रोसीजर है, कौन शादी कर रहा भाई, किसकी शादी, काय की शादी, पढ़ लो कुछ बन लो तब शादी करना। पहले नाम लूं? अच्छा जी बेटा, आदित्य ने दिया है, मिताली ने दिया है, गोला पूजा ने, मीनाक्षी ने, समीहा ने, आदित्य, विशाखा, प्रिंस, इन लोगों ने सही जवाब दिया है। एंड सिनगैमी इज द करेक्ट आंसर। इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब मतलब आपका गैमीट फ्यूज कर रहा है, क्या फ्यूज कर रहा है, गैमीट फ्यूज कर रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द आउटर इंट्यूगमेंट ऑफ ओव्यू चेंजेस इनटू आउटर इंट्यूगमेंट, क्वेश्चन इज रिपीटेड, जल्दी बताओ इसका आंसर। बेटा मैं आंसर बोल रही हूं इसीलिए कह रही हूं ना सबका, ऋषि ऋषि, देखते हैं किसने सही आंसर दिया है। चलो अभी देख रही हूँ, मनीष ने सबसे पहले दिया, फिर आदित्य ने दिया, सलीम ने दिया, कैरी ने दिया, पूजा, मनीष, आदित्य, मीनाक्षी, सैयद, बस इससे अधिक नहीं बोलूंगी, ठाकुर बॉय, डोरा, प्रिंस, आदित्य, अनाया, श्रुति, मिताली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से बच्चों ने दिया। टेस्टा इज द करेक्ट आंसर। The process of double fertilization was discovered by process of double fertilization. किसने डिस्कवर किया था? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबको ध्यान में रहना चाहिए। आदित्य ने दिया, फिर सलीम ने दिया, मनीष ने दिया, कैरी ने दिया, ठाकुर ने दिया, बस बेटा। चलो बिल्कुल सही बात है, नवश्चिन ने ही दिया था इसका, प्रोसेस को डिस्कवर नवश्चिन ने ही किया था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड इज डेवलप फ्रॉम, सीड किससे बन रहा है, किससे सीड बन रहा है, जल्दी बताओ। Come on everyone, मिताली ने सही आंसर दिया, फिर मनीष ने, फिर समीहा ने, आदित्य ने गलत दिया, कैरी ने, बर्नाली ने, एंड देन मीनाक्षी कै, फिर देखते हैं। ओव्यूल इज द करेक्ट आंसर। ओव्यूल क्या बना रहा है, सीड। ओवरी क्या बना रहा है, फ्रूट। न्यूसिलस क्या बना रहा है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, और एंडोस्पर्म क्या रहता है, एंडोस्पर्म ही बनाता है, आगे एंडोस्पर्म की तरह ही रहता है। डबल फर्टिलाइजेशन मीन, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, पहली बात तो कैरी, आई एम नॉट एमबीबीएस, आई एम ए बीडीएस, आई एम ए डेंटिस्ट, ठीक है। तो उसमें भी मेरा मेमोरेबल मोमेंट रहा है, व्हेन आई सॉ द डिलीवरी फर्स्ट टाइम, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ होल ऑफ माय कॉलेज लाइफ, व्हिच इज लाइक अनबिलीव, आई कांट जस्ट एक्सप्रेस हाउ इट फेल्ट। और दूसरा मिथ ये है कि MBBS और BDS की पढ़ाई सिमिलर होती है, बस फाइनल ईयर में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छा लगे या ना लगे, बहुत से बच्चे कहते हैं बट आई एम प्राउड टू बी अ डेंटिस्ट एंड इट टेक्स गट्स टू बी अ डेंटिस्ट, ठीक है। चल सी आ रहा है, डी आ रहा है, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा मैंने AIPMT दिया था उस समय, AIPMT बहुत तरीके से होता था, एम्स अलग होता था, AIPMT अलग होता था,
स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता था एग्जाम, सीपीएमटी, ठीक है, तो अलग अलग है। आप डॉक्टर हो क्या? अभी तक आपको पता ही नहीं था मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ मैं, यहाँ डॉक्टर साक्षी वरनवाल बोलती रहती हूँ और आप लोगों को पता ही नहीं मैं डॉक्टर हूँ। चलो कभी मैं अपने क्लिनिक जाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है, कि मैं कैसे वहाँ पे, मैं सोशल सर्विस के थ्रू प्रैक्टिस करती हूँ, मैं हॉस्पिटल में जाके अर्न नहीं करती हूँ, मैंने वो जॉब छोड़ दिया टीचिंग करने के लिए, अब मैं सिर्फ एनजीओ के हॉस्पिटल में जाके काम करती हूँ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सी आ रहा है, सीट कोट किससे बन रहा है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, इंट्यूबमेंट से बनता है, यानी कि टेस्ट और टेगमेंट बना रहे हैं सीट कोट। फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट इज, अरे डॉक्टर हूं मेरी माँ, मैं डॉक्टर ही हूं। मैं इस समय कर्नाटका में रहती हूँ बेटा, मैंने यहीं से कॉलेज किया है, आप लोग ने सुना होगा नाम, एमएस रामैया कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है यहाँ का, ठीक है, दैट्स अ टॉप कॉलेज इन बैंगलोर राइट नाउ फॉर योर एमबीबीएस एंड ऑल। सेम ही गवर्नमेंट था, बट मेरे आई थिंक मैं जब थर्ड ईयर नहीं फाइनल ईयर में थी तब वो क्या कहते हैं डीम्ड हो गया, पहले सेम ही गवर्नमेंट था, तो आई वॉज थ्रू दी गवर्नमेंट कोटा, कॉमेट के थ्रू मैंने लिया था। जयपुर मैंने बहुत बार दे आई हूँ बेटा। बी इज द करेक्ट आंसर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कर रहा है यहाँ पे आपका, क्या क्या मिल रहा है आपका, मेल गैमेट मिल रहा है और दो पोलर न्यूक्लियाई मिल रही हैं, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई प्लस हो रही हैं, तब आपका क्या बन रहा है, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इन पॉलिनेशन ट्रैप डोर मैकेनिज्म इज फाउंड इन, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कल ही एक्सप्लेन किया मैंने, पिचर प्लांट ट्रैप डोर है मैकेनिज्म, ये सारी चीजें किसमें देखी जाती हैं बेटा। मैं दिल्ली में रही हूँ 1 साल, मैं लास्ट ईयर जुलाई में आई हूँ, लास्ट ईयर 1 साल, 2019 के अप्रैल से 2020 के जून तक मैं दिल्ली में थी, उसके बाद मैं वापस बैंगलोर आ गई। ट्रैप डोर मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, जो आपका पेड़ होगा ना उसमें जो एक टहनी निकलेगी, ठीक है, वो क्या बनाती है, एक पिचर प्लांट बनाती है, क्या बनाती है बच्चों, एक पिचर बनाती है, ठीक है, जब उड़ के आती है तो ये पिक्चर के अंदर आती है और अंदर चली जाती है और ये ढक्कन बंद हो जाता और अंदर ही वो बंद हो जाता ऑर्गेनिज्म, और वो पॉलन ग्रेन कैरी करता है ताकि वो अगली बार, ठीक है, अगली बार दूसरे में दे पाए। मैं अटक गई हूँ, इज इट, चलो हाँ जी, ऑपरेशन एमबीबीएस, मिशन एमबीबीएस नहीं है, ऑपरेशन एमबीबीएस है। वाटर ऑफ कोकोनट, कितने क्वेश्चन रह गए, 1 मिनट, अभी तो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, चलो वाटर ऑफ कोकोनट जल्दी से, अब बहुत हो गया बेटा। मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है, अगर आप लोग ने देखी नहीं तो जाके देखो, मैंने स्टोरी शेयर की है फ्रॉम ए ड्रॉपर टू टॉपर, जाके देखो उसको, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू, दैट्स वाई आई शेयर दैट स्टोरी, और मैं वो बार बार नहीं कर सकती, मुझे रोना आ जाता उसमें। ए आ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, ये एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट, सस्पेंशन इन कैप्सुला डेवलप्स फ्रॉम, सस्पेंशन इन कैप्सुला डेवलप्स फ्रॉम, जल्दी से कैरी भाई, जल्दी जल्दी आंसर देंगे अब सब लोग, कम ऑन एवरीवन। मैंने स्पेशल सेशन रखा हुआ था, आप लोग को आना चाहिए था ना, फिर रख दूंगी कभी।
ए आ रहा है, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, लेकिन इसका आंसर बी है। सस्पेंशन सेल बेसल सेल से डेवलप होते हैं, ना कि आपके एपाइकल सेल से डेवलप होंगे, ये बेसल सेल से होते हैं। मोजैक एंडोस्पर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मोजैक एंडोस्पर्म, एक बार मेरी वो वीडियो देख लो, अगर आपको फिर भी लगता है आई कीप इट, बट डू गो एंड वॉच दैट। लास्ट संडे लिया था मैंने। जल्दी बताओ मोजैक एंडोस्पर्म किसमें होता है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, मेज में होता है। इसका रियल नाम क्या है, जिया, मेज में मोजैक एंडोस्पर्म होता है। टिगलेम रिप्रेजेंट्स कम ऑन एवरीवन, डी आ रहा है श्रुति से। डी आ रहा है ठाकुर से एंड इट इज करेक्ट। एम्ब्रियोनल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, टिगलेम। एम्ब्रियोनल एक्सिस का दूसरा नाम है टिगलेम, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन, कितनी न्यूक्लियाई होती हैं, फटाफट से गिनो, कितनी न्यूक्लियाई डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व है। एक एंडोस्पर्म बना रही है और एक जाइगोट बना रही है, कितना हुआ बच्चों, जाइगोट प्लस एंडोस्पर्म, जल्दी बताओ इधर कितने हुए और इधर कितने हुए, 365 न्यूक्लियाई, बहुत बढ़िया। मोजैक मतलब थोड़ा जालीदार कह सकते हो। जल्दी से आंसर करो फिर सेशन खत्म करेंगे। 9:30 बजे मेरी बहुत अच्छी स्पेशल क्लास है जिसमें हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पे क्वेश्चन कर रहे हैं स्पेशल। तो डी आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी कि 5 हो रहे हैं, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इन एल्ब्यूमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन, एल्ब्यूमिन का मतलब है एंडोस्पर्म है, तो फूड कहां स्टोर्ड होगा, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी, अगर एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्म में ही स्टोर होगा बेटवा। नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस में कॉटिलेडन्स बड़े बड़े होते हैं और इनमें फूड स्टोर्ड होता है। एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म ही बहुत लार्ज होता है, इसलिए कॉटिलेडन्स बहुत पतले होते हैं। हेलोबियल एंडोस्पर्म इज रिस्ट्रिक्टेड यूजुअली टू, हेलोबियल एंडोस्पर्म, कैरी भाई मैं आपके आंसर देख रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ बेटा, मैं किसी का नहीं ले रही हूँ, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, सबका डिनर टाइम है और 9:30 बजे वापस आना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अरे तो क्या हो गया, अभी तक तो आपका नाम लिया, आप तो खुश रहो, आपने सही आंसर दिया, यू शुड बी हैप्पी। चलिए डी आ रहा है और सी इसका आंसर है, ऑर्डर हेलियोबाइल्स, मतलब हेलियोबियल लिखा है, हेलियोबाइल्स लिखा है और फिर भी कंफ्यूज आ रहा है, ये आउट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो रूमिनेट एंडोस्पर्म, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। रूमिनेट एंडोस्पर्म कहां देखा जाता है, किस सीड में, रूमिनेट एंडोस्पर्म, बाप रे मीनाक्षी कौन सी स्पीड से खाए बेटा, ऐसे जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते हैं, आराम से चबा चबा के खाते हैं। खाने में ये सब बदमाशी नहीं, कोई बात नहीं, आपको मिस करना पड़ा, आप जाइए आराम से खा के आइए, मैं कभी मना नहीं कर रही हूँ, या तो डीले कर लो या तो जाओ खाओ आराम से, लेकिन ये हड़बड़ी वाला नहीं, गलत बात। कम ऑन एवरीवन,
सी होगा इसका आंसर, पामी और एरिकेसी, एरेका नट और आपके इसके अंदर आपका रफ एंडोस्पर्म होता है, रफ एंडोस्पर्म उसी को कहते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म, ठीक है। एरेका नट और बीटल नट दोनों में देखा जाता है, ठीक है। चलो अगर बता देंगे तो अच्छी बात है, कैरी भाई तो बड़ा अजीब लग रहा है। विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस इन एपीजियल जर्मिनेशन, एपीजियल अगर जर्मिनेशन हो रहा है मतलब हाइपोकोटाइल ग्रो कर रही है, राइट। जर्मिनेशन जिसका हो रहा है मतलब उसका उल्टा वाला ग्रो कर रहा है, और हाइपोकोटाइल क्या होगा आपका, रेडिकल, रेडिकल ग्रो कर रहा है, यानी कि अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया। चल डी होगा आंसर, मेरे को लगा यहां पे लिखा हुआ है कि कॉटिलेडन ऊपर आएंगे कि नहीं, मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं। चलो इन विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस इन हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल में क्या होगा उल्टा होगा यानी कि एपिकोटाइल होगा। एट वॉट टेम्परेचर जर्मिनेशन ऑफ सीड कैन नॉट पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, नॉट पॉसिबल बोल रहा है बच्चों, किस टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, तो एक्सट्रीम उठा लेंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर उठा लेंगे एंड दैट विल बी करेक्ट। हाय चेतन, हे भगवान, वैष्णवी तो क्वेश्चन से बाहर ही नहीं आ रही। मैम आप डॉक्टर हो, आप डिसाइड कर लो बेटा, मैं डॉक्टर हूं तो अच्छी बात है, नहीं हूं तो भी अच्छी बात है। चलो सी इज द आंसर। चलो इन सीड्स कैरेक्टराइज बाय हाइपोजियल जर्मिनेशन कॉटिलेडन जनरली डू नॉट बिकम ग्रीन बिकॉज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाकई बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, दिस इज वेरी क्लेवर क्वेश्चन। टेन मोर क्वेश्चन, दैट्स इट, वी आर डन। अरे तो बहुत ही इजी है, डी होगा क्योंकि कॉटिलेडन सॉइल के अंदर ही रह जाते तो वो उगते ही नहीं है, तो ग्रीन होते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एपिकोटाइल जर्मिनेट कर रहा है तो आपका प्रिमूल ऊपर चला जाता है तो कॉटिलेडन को ऊपर नहीं ले जाता है। एम्ब्रियो ऑफ सनफ्लावर हैज, सनफ्लावर के एम्ब्रियो में कितने कॉटिलेडन होते हैं, नहीं बाबू मराठी नहीं आती, नहीं आती है, थोड़ा बहुत जो सिंघम देख के सिंखे है ना वही जाती है बस, अत्ता माजी सटकली बस, वो होता नहीं है वो अलग बात है, दैट डजंट अप्लाइज टू मी। मैं थोड़ा बहुत कन्नड़ा, थोड़ा बहुत तेलुगु, थोड़ा सा पंजाबी, थोड़ा सा यूपी वाली भाषा तो जानूंगी, इंग्लिश हिंदी ये सारी लैंग्वेज जानती हूँ। बंगाली समझ लेती हूँ बहुत अच्छे से। टू कॉटिलेडन्स, ए करेक्ट आंसर है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन बाई, अगेन सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमिट। एडवेंटिव एम्ब्रियो इन सिट्रस इज ड्यू टू एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी किसकी वजह से होता है, हाय रे मैं बहुत कूल हूं बट मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है भैया है मैंने एसी चला रखा है। मैम प्लांट में माइटोसिस गो गया मतलब, थैंक यू कीप स्माइलिंग फॉर सच अ वंडरफुल कॉमेंट। ए होगा न्यूसिलस से ये डेवलप करते हैं, न्यूसिलस यानी कि आपका मेन जायगोट नहीं फॉर्म हो रहा है और न्यूसिलस बना दे रहा है इनका एम्ब्रियो डायरेक्टली,
इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमिट इन टू, तो पोलन ट्यूब से मेल गैमिट कहां जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, क्या आपका डीकंपोज होता है उसके अंदर जाता है। कोई बात नहीं प्रिया, ठीक है प्रिया, पैरामेडिकल भी बताऊंगी एंड दैट्स आल्सो अ फंटास्टिक फील्ड। बहुत लोगों को लगता है कि एमबीबीएस करना इज वेरी गुड, बट इसका मतलब नहीं कि और सारे ऑप्शन बेकार हैं, दे आर वेरी गुड ऑप्शंस। तो जिसको जिसको जानना, मैं एक वैसे भी एक वीडियो सोच रही हूँ बना दूँ ऑन मेडिकल ऑप्शंस अदर देन एमबीबीएस, मेडिकल पैरामेडिकल में क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए। सिनर्जिड आ रहा है एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एल्यूरॉन लेयर इन मेज ग्रेन स्पेशली रिच इन, कितने क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन और। मरबादी क्या होती है बेटा, मुझे पता ही नहीं है ये। जल्दी कर रही हूं, जल्दी बताओ। ए आर एन दैट इज करेक्ट, प्रोटीन रिच लेयर होती है आपकी एल्यूरॉन लेयर, प्रोटीन रिच होती है। एंथेसिस इज अ फिनोमेना विच रेफर्स टू, एंथेसिस एंथर से रिलेटेड है, इसमें किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ, बिल्कुल गलत सवाल, रुको एक मिनट। तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड को, चलो ये मेरे लिए भी गुगली है, मुझे भी नहीं पता। व्हेन पॉलन ऑफ वन फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और सेम प्लांट जेनेटिकली इट इज नोन एज, बेटा मैं बायो पढ़ाती हूँ, कंप्लीट बायो। वेटरनरी भी बहुत अच्छा स्कोप है, बट ट्राई टू रीच इन द बेस्ट वेटरनरी कॉलेजेस, लेकिन वही बात है। चलो ऑटोगैमी आ रहा है एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What is the liquid part of green coconut? Oh, नारियल पानी, नारियल पानी, नारियल पानी, जल्दी बताओ इसका liquid part क्या कहलाता है? Prince बेटा इसको अलग से बताएंगे, अभी बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं हमारे। इसका चैट ऑफ है डोरा का। सोच रही हूँ बेटा, बहुत कुछ सोचती रहती हूँ क्या आपके लिए नया कर दूँ कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और आप लोग भी बताते रहिए कि आपको क्या चाहिए रहता है। तो ये एंडोस्पर्म ही होता है, ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है। लिक्विड वाला तो एक्चुअली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो सॉलिड वाला होता है उसको मिला के हेलोबियल बनाता है, ठीक है, हेलोबियल होता है, बट ये लिक्विड वाला पार्ट केवल न्यूक्लियर होता है। Entry of pollen tube through micropyle is called micropyle. ये एक पोर है, micropylar पोर है, तो क्या होगा? Are you married? Do you think I am married? अरे social work तो मैं बहुत साल से कर रही हूँ, I think मैं 3-4 साल से कर रही हूँ। That was in my college life, मैं तभी से कर रही हूँ। केरला में जो फ्लड आया था बहुत भयंकर वाला, उसमें भी मैं गई थी, वहाँ बहुत सारा ट्रीटमेंट किया था मैंने, बहुत बुरी बुरी तरह लोग ग्रसित थे, रिंग वॉर्म अंदर पैर में घुसा हुआ था, सर्जिकली सब निकालना पड़ा था। हाँ रिश्ता लेके आओ, मेरे पति देव ना डंडा लगाएंगे, डंडा। ए आंसर इज द करेक्ट, पोरोगैमी। Through which cell of embryo sac does the pollen tube enter the embryo sac? अरे ये बार बार repeated question आ रहा है। इसके बाद last question है बच्चों, इसके बाद last question है।
थैंक यू प्रिंस। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बताया तो था, इसका होगा जेनरेटिंग, डी जेनरेटिंग सिनर्जिड। यस लास्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म हैज, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आप लोग मुझे भूल जाते हो ना। कल सुबह तो क्लास नहीं है, मंडे की सुबह 8 बजे क्लास होती है, आज 9:30 बजे स्पेशल क्लास है, और कल 4 बजे आपकी क्या है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्लास है। ठीक है सर, कल एक ही क्लास है, फिर छुट्टी, फिर अपनी सेल्फ स्टडी करो, थोड़ी सी मस्ती कर लेना, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चलेगी। अरे भैया मेरी शादी, मेरी क्या चाइल्ड मैरिज हो गई थी, चाइल्ड मैरिज, 1 साल हुआ है यार, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, है? चाइल्ड मैरिज करा दी गई मेरी, मेरी क्या गलती है, मैंने तो मना किया था, सुने ही नहीं घर वाले, तो 3N होगा, सर बहुत अच्छे हैं ना इसलिए, चलो कोई बात नहीं, भाग गए तो इसलिए पकड़ के रखना था उनको, तो करनी पड़ी मजबूरी में, भाग जाते तो कैसे ले आते फिर, कोई और ले जाता उनको। तो बच्चों ये सर भी यहीं पे हैं, अन अकेडमी में ही, घबराओ मत। ओ भाई मैं बड़ी हो जाऊं, चाइल्ड कब आएगा, 20 ईयर के PYQs का बैच लॉन्च है 17 मार्च से, ऑन प्लस 17 मार्च से लॉन्च है, तो इफ यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस बैच डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस थ्रू प्लस, और 90 डेज रिविजन कोर्स आ रहा है 24 मार्च से अगेन ऑन प्लस, जो ये सारे एजुकेटर्स मिलके ले रहे हैं, कितना फंटास्टिक है। तो अलग अलग ड्यूरेशन के आपके सब्सक्रिप्शन, यू कैन चूज द बेस्ट। 3 महीने वाले में अभी बहुत बोनस आपको मिल रहा है, लेकिन आपको यूज करना होगा क्या, कोड साक्षी 100, और अभी स्पेशल क्लास में सब लोग आ जाएंगे, आई विल बी वेटिंग इन स्पेशल क्लास। फ्री टेस्ट चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर के, तो जो आपको सही लगता है, जितने आपको सही लगते हैं अटेंड करो। नहीं भाई मेरी कोई बहन नहीं है, हर संडे कॉम्बैट हो रहा है, कल भी कॉम्बैट है, तो एनरोल कर लो, यहाँ पे 100% तक की स्कॉलरशिप मिलती है, और 150 विनर को एडिशनल मिल रहा है, बम्पर ऑफर है साक्षी 100 कोड यूज करने पे। अगर आप ये कोड यूज करके 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे, तो ये एक्सटेंड होके 31 जुलाई तक मिलेगा, यानी नीट 2021 के जस्ट पहले। ठीक तो बच्चों, और यही कोड आप लगाओगे तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में पढ़ पाओगे, और डेफिनेटली 10% डिस्काउंट आपको 3 मंथ्स पे भी मिलेगा, सर का नेम मैं नहीं बता रही हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, और मुझे फॉलो कर लीजिए अन अकेडमी पे, तो ये मेरा लिंक है, इससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अभी 9:30 बजे वाली क्लास पे सब आ जाना, मैं लिंक भेज रही हूँ ग्रुप पे, 9:30 PM है, और मुझे फॉलो कर लो, और अगर मेरी टीचिंग थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरे को यहाँ मैसेज और हैट डेडिकेट आप कर सकते हो, हैं छुट्टी दे दो, 1 क्लास तो रखी है कर लेना। चलो थैंक यू एवरीवन, लाइक करो, शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो ये जरूर कर लेना, और शेयर करो और बच्चों तक फैलाओ, आग की तरह, जंगल में आग जैसे नहीं फैल जाती वैसे फैला दो, कि भैया इस क्लास में आना जरूरी है, क्योंकि मैं हर चैप्टर को बेसिक से पढ़ा रही हूँ, और मजाक नहीं कर रही हूँ, वाकई हर चैप्टर को बेसिक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है तो बी देयर और रेगुलर अटेंड करो, 5 PM और 8 PM इवनिंग में, और 8 AM इन द मॉर्निंग, जिसमें NCERT डीकोड करती हूँ। कल सिर्फ 1 क्लास है, जाके GF के साथ देख लेना। ठीक चलो बाय बाय बच्चों, पार्टी जाओ, फटाफट खाना खाओ, 9:30 बजे मिलेंगे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।